हेलो दोस्तों, मैं साओ साओ चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में। जिस स्टॉक का नाम आप सभी को पता है, इस स्टॉक का नाम है IRCTC। IRCTC जो इंडियन रेलवे शेयर है, उसका जो शेयर का चार्ट हम पढ़ेंगे, उसके आने वाला समय में कैसे रहेगा उसका डिविडेंड और कैसे रहेगा रिएक्शन उसका, यहाँ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में। अभी जो कैंडल लगा है, ये वन डे कैंडल चार्ट है। वन डे कैंडल में आप देख पा रहे हैं, ये बहुत दिन से यानी काफ़ी महीने से, 2-3 महीने से बढ़िया रैली से चल रहा है, धीरे 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 करके। पिछले महीने से बहुत ज़्यादा रैली हुआ है, बिकॉज यहाँ पर जो स्प्लिट होने का जो डिक्लेयर हुआ था सितंबर 22 को, तो वो डिक्लेयर अक्टूबर 28 को जो टाइम दिया था, एक महीने का टाइम में ये कम से कम 3000 यहाँ से ले कर यहाँ तक, मैं डबल, एक तरीके से एक महीने में डबल हो गया था। तब यहाँ से जो 6000 यानी पिछले 2 दिन में ये गिरावट आया था, कम से कम 2 गिरावट आने के बाद 6000 से लेके 4900 तक यहाँ गिरावट देखने को मिलता था। और यहाँ जो लो बनाया था अभी तक 4400 के आसपास लो बनाया। अब जी आज जो मार्केट हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक बुलिश साइन कैंडल है। बुलिश साइन कैंडल यानी जब गिरावट होने के बाद ज़्यादा गिरावट होता है, उसको शॉर्ट रिकवरिंग कहते हैं, क्योंकि गिरावट के बाद ज़्यादा खरीदा गया है, बाय यहाँ पर हुआ है और इस कैंडल को देखा, इस पोजीशन में ज़्यादा खरीदा गया। इसे लग रहा है कि ये 4000 के आसपास यहीं कहीं है, उसका सपोर्ट जोन है 4000 के आसपास। और अगर इस एरिया को अगर वो नहीं क्रॉस किया, नीचे नहीं आया, तो इसका मतलब है ये यहाँ से बहुत बड़ा रैली मूवमेंट आने का संकेत दे रहा है। ये चीज़ हम देख पा रहे हैं यहाँ से 4000 आसपास इस पोजीशन में, अगर ये अगर टूटा नहीं तो ये बहुत बढ़िया रैली और मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो तुरंत नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गिरावट के बाद कुछ दिन यहाँ से बिताएगा, टाइम वाइज करेक्शन देगा, नहीं तो थोड़ा सा रुक के काम करेगा, क्योंकि एक महीना में 100% बढ़ जाना बहुत बड़ा बात है। तो उसके बाद जैसे हम पिछले वीडियो में हम बात किए थे, जो बजाज फाइनेंस भी इसी तरह आया था 6000 आसपास इसी अक्टूबर नवंबर मंथ में पिछले साल, और यहाँ 6000 क्रॉस करके वो फिर से 4700 के पास रुका, फिर वहाँ से कुछ दिन बिताया, उसके बाद जो रैली बनाया अभी देख पा रहे 8000 हाई रिकॉर्ड किया है। तो इसी तरह जो IRCTC यहाँ पर भी सेम इसी तरह दिखाई दे रहा है, उसका चार्ट 6000 जाने के बाद यहाँ पर 4400-500 के पास रुका है, और यहाँ से मुझे लग रहा है इसी 4000 अगर नहीं ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा, कम से कम 8000। IRCTC भी अच्छा शेयर है, इसमें कोई ये नहीं है, उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये किंतु बहुत बढ़िया आपको रैली और प्रॉफिट देगा, इसका डिविडेंड भी बहुत बढ़िया देता है, बोनस भी बहुत बढ़िया देता है। उसका जो शेयर है, और कुछ साल 2 साल हुआ है इस शेयर को, और यहाँ से लेके 300 में जो IPO निकला था वहाँ से लेके आज तक, तो बहुत गुना वो इंक्रीज कर चुका है, 600%। तो यही देखिए IRCTC शेयर, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई ले कर रखा है 6000 के आसपास में और उसको होल्ड करना चाहता है तो होल्ड करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो आने वाला समय में वो टारगेट से और ज़्यादा टारगेट पहुंच जाएगा, आप यकीन नहीं मानोगे, वो 8000 क्रॉस भी कर सकता है। तो इसका तो एक एक दिन में 500 पॉइंट भी पड़ने का बहुत पावर है इसमें। तो अभी के समय में जो कैंडल ग्रीन कैंडल है, ये शॉर्ट कवरिंग कैंडल, क्योंकि बेचने के बाद कोई ख़रीदा होगा तभी तो ये यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिया है, तब यहाँ पर बेचना लड़ाई, सेलर बायर लड़ाई होने के बाद, जिस टाइम आप 4000 ब्रेकआउट नहीं दिया, अगर दिया भी 4000 ब्रेकआउट तो 3500 के आसपास से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये IRCTC शेयर है जो लॉकडाउन टाइम में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। तो लॉकडाउन टाइम में भी कम से कम काफ़ी 1400 के आसपास ये स्टेबल होकर रहा, 1300-1400 पॉइंट के आसपास में, वहाँ से बहुत बढ़िया रैली दिया। तो अभी लॉकडाउन की समस्या नहीं है, अभी तो बढ़िया रैली के समय है, और रैली का टाइम में अगर करेक्शन देता है, करेक्शन भी रहता है, और ये करेक्शन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, फिर मूवमेंट रैली शुरू करेगा। तो यही है वीडियो, आपको ये मैसेज देना था, आप अगर ले कर रखिए तो उसको होल्ड करके रखिए, और आने वाला समय में बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है सर, थैंक यू, बाय बाय।